तो यार यहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद भी हमारे यहाँ पर व्यूअर को एक प्रॉब्लम हो रही थी रैम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर हमें बता रहे थे कि यार हम जब गेम को बैक कर देते हैं तो तभी हमारा गेम बैकग्राउंड से हट जाता है। तो यहाँ पर गाइस इसका भी मेरे पास सलूशन है। तो बहुत मतलब सोचने के बाद मुझे ये पता चला है कि इस तरीके से ये रैम मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। और मैं जो पहले वाले एप्लीकेशन लाता था तो ऐसे मैं एप्लीकेशन आपको नहीं बताऊँगा, यहाँ पर जेन्युइन ट्रिक होंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ यार, ज़रूर से याद करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस साल से पहले हमें 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कराना है, तो करा देना, आपको तो पता ही है। तो यार चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर गाइस जैसे कि मैं पहले सारे एप्लीकेशन लाता था तो वहाँ पर थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट होते थे। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों ने हमें पूछा है कि भाई हमें एप्लीकेशन नहीं, हमें यहाँ पर रैम मैनेजमेंट से टिप्स ट्रिक्स ला के दो। तो यहाँ पर मेरे पास एक टिप्स है जो कि अभी अवेलेबल है, तो वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो चलिए यार वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर गाइस हम आते हैं अपने मेन ट्रिक्स पर। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा जाना है अपने सेटिंग पर। तो सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर हम बताएंगे आगे। सेटिंग पर जाने के बाद अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिन लोगों को पता नहीं कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, तो यहाँ पर गाइस आपको आई बटन पर या फिर आप कह सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हैं। तो बेसिकली अभी डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक रनिंग सर्विस का जो यहाँ पर ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम जब चुके हैं इस वाले पेज पर तो इस तरीके से ये थोड़ा लोडिंग ले लेगा। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये सभी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड पर ये सभी एप्लीकेशन है तो वो अभी रन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जो यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड पर जो रन कर रहे हैं, सिस्टम यहाँ पर 580 MB लेके बैठा हुआ है और एप्लीकेशन 312 MB। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन थोड़ा बढ़ता रहता है क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड पर बहुत सारे ऐप्स आपके चलते रहते हैं। तो इन सभी का ही मेन चीज़ होती है, जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, मान लीजिए कि आप फ्री फायर चला रहे हैं और फ्री फायर पर जाने के बाद यहाँ पर अगर कोई भी बैकग्राउंड पर एप्लीकेशन आपका चल रहा होगा तो यहाँ पर ये गाइस इस तरीके से मिनिमाइज़ होकर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड पर जो प्रोसेस है तो काफ़ी बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, तो उन सभी को फ़ोन को हैंडल करना पड़ता है 2 GB के अंदर। और बेसिकली यहाँ पर अभी जैसे कि देख सकते हैं फ्री अभी 0.96 GB है, तो ये इस तरीके से है, मतलब 2 GB रैम वाला फ़ोन है और 0.96 GB यानी कि हाफ से भी कम है, तो ये चीज़ मान के चलिए। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करना चाहते या फिर बैकग्राउंड पर आप उसको रखना नहीं चाहते जब आप गेम प्ले करेंगे तभी ये सभी चीज़ें करना, उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, यहाँ पर जैसे कि गाना, तो अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा फिर भी ये बैकग्राउंड पर चल रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर स्टॉप का सेक्शन दिखाई देता है, जहाँ पर हम इसको स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर ओके पर सिलेक्ट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है, जो गाना एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड से हमारा ये हट जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी देखा। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, जैसे कि देख सकते हैं 1 GB तक मेरे अभी जो बैकग्राउंड प्रोसेस है वो अभी खाली हो चुका है, मतलब रैम अभी 1.1 GB तक मुझे स्पीड देखने को मिलेगा रैम पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरीके से आप जैसे कि मैं WhatsApp भी यूज़ नहीं कर रहा बट ये 31 MB लेके बैठा हुआ है बैकग्राउंड पर, तो इसको भी हमें सिंपल सा सिलेक्ट करना है, इसको भी हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद ये ऑटोमेटिक सा बैकग्राउंड से हट जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कितना खाली हुआ है, तो यहाँ पर 1.0 हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं खाली हुआ है। बट यहाँ पर गाइस आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। हर बार यहाँ पर आके इन सभी बैकग्राउंड से जो एप्लीकेशन है उन सभी को हटा के आप अपने गेम प्ले को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और रैम मैनेजमेंट को भी। तो यहाँ पर गाइस चलते हैं, और जो यहाँ पर हम मैसेज यूज़ नहीं कर रहे अभी तो इसको भी हम स्टॉप कर देंगे। और बेसिकली कुछ चीज़ें रहती है जैसे कि सिस्टम का रहता है, तो वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टॉप नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर गाइस आप अगर सिस्टम को स्टॉप कर देंगे तो रन कैसे होगा बैकग्राउंड पर, जो कुछ आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, हो सकता है आपका एप्लीकेशन खुलते खुलते स्टॉप हो जाए। तो इस तरीके से सिस्टम एप्लीकेशन को हमें कुछ नहीं करना है, सेटिंग के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। बट यहाँ पर गाइस जो आपको लगता है कि हाँ यार जैसे कि क्यूआर कैमरा जो है तो ये अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे, जिससे कि ये बैकग्राउंड से हट जाएगा और 10 MB यहाँ पर हमारा फ्री हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे MB से ही मतलब बड़ी चीज़ें बनती है, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड से ये सभी चीज़ें क्लियर करके आप अपने फ़ोन को काफ़ी स्मूथ बना सकते हैं और रैम मैनेजमेंट जैसा कि आपके सामने है। यहाँ पर गाइस इस तरीके से कुछ आप अपने रैम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी हद तक, और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स बहुत खोजने के बाद ही मिलते हैं। और गाइस इसको
मैंने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, तो आप भी यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, 10K का फैमिली कंप्लीट कराने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ही पड़ेगा। कर देना यार, कुछ नहीं जाएगा आपका। इस तरीके के आपको टिप्स मिलते रहेंगे और भी। तो चलिए यार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।